subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस बहुत देखता हूँ यूट्यूब पे, तो जब भी कोई बोर्ड रूम या मीटिंग रूम का सीन आता है उसमें इंडियन शक्ल जरूर नजर आती है। मैं हमेशा ही सोचा यार इंडियंस ऐसा क्या कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया को वो लीड करें। आप सबको पता होगा गूगल का सीईओ जो है सुंदर पिचाई, ही इज एन इंडियन। बट जब मैंने उसमें और देखा तो ना सिर्फ गूगल बल्कि माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ भी इंडियन है, एडोबे का भी सीईओ इंडियन है, नोकिया का भी सीईओ इंडियन है। तो इंडियंस ऐसा क्या कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी की दुनिया को वो लीड कर रहे हैं? पाकिस्तानी सीईओस क्यों नहीं नजर आ रहे? अब ये कहेंगे कि जी इंडिया की चूंकि आबादी हमसे 6 गुना ज्यादा है, सो दे आर मोर लाइकली टू गेट हायर्ड। फाइन, 6 सीईओस इंडिया के, तो 7वां डेल का सीईओ पाकिस्तानी क्यों नहीं है, एचपी का सीईओ पाकिस्तानी क्यों नहीं है? हम ग्लोबल मैप में क्यों नहीं नजर आ रहे? अब इसमें लोग बोलते हैं जी इंडियन लॉबी बड़ी स्ट्रांग है, वो पाकिस्तानी को गुस्से नहीं देती। तो भाई आप भी अच्छी लॉबी बना लो, किसी ने मना किया? ये तो वही बात हो गई जी इसराइल चूंकि साजिशें करते तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाता। अपनी खुद मेहनत नहीं करनी, दूसरे पर डाल देना कि जी वो खेलने नहीं दे रहा हमें, तो ये कोई वजह नहीं हुई। ठीक है, देखिए बहुत सारे रीजंस हैं इंडियंस जो है टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना आगे हैं। देखिए एक तो जाहिर है उनका तालीमी मयार हमसे बड़ा अच्छा है। ये जितने सीईओस के मैंने नाम लिए, अच्छा ये भी नहीं कि भाई ये प्रिंसटन के पढ़े, बर्कली के पढ़े, सो दे आर मोर लाइकली टू गेट हायर्ड इन सिलिकॉन वैली। ये इंडिया से ही पढ़ के गए, मैंगलोर यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, IIT जो कि बहुत बड़ा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ से ऐसे बड़े बड़े दिमाग। तो ये केस स्टडीज हमारे पड़ोस में मौजूद हैं कि वो ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं कि उनके बच्चे वहाँ से निकल के ग्लोबल कंपनीज की को लीड कर रहे हैं। तो हमारी KU NED में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं देख सकते बराबर में? ठीक है, अच्छा H1B वीज़ा एक बहुत बड़ी उसकी वो है जो कि इंडियन स्कोर करते हैं बहुत ज़्यादा। स्कॉलरशिप्स बहुत दी जाती हैं इंडिया के, कॉर्पोरेट्स बहुत सपोर्ट करती हैं, हमारे यहाँ तो HEC ही बंद कर रहा है स्कॉलरशिप्स। और लोन्स, इंडियन बैंक्स जो है लोन्स देते हैं स्टूडेंट्स को बाहर पढ़ने के। हमारे यहाँ क्या, जब तक बच्चे के बाप के अकाउंट में 25 लाख 2 साल के लिए फ्रीज नहीं होंगे, वो ऑस्ट्रेलिया में MBA नहीं कर सकता। तो एक पर्टिकुलर क्लास ही ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड पढ़ने जा सकती है गरीब का। देखिए आइंस्टाइन किसी भी घर पैदा हो सकता है, वो कुरंगी उरंगी में भी होगा, लेकिन चूंकि उसके बाप के पास 25 लाख दबाने के लिए नहीं है तो वो कहीं पॉलिश नहीं कर पाएगा, बाहर वो पढ़ नहीं सकता। यहाँ क्या पढ़ा रहे हैं वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। देखिए और वो मेरे जो बहन भाई जो मिडल ईस्ट वगैरह में रहते हैं वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि इंडियंस जनरली बहुत सपोर्टिव होते हैं अपने लोगों के लिए। एक बंदा आता है दुबई में, अगले 10 साल में उसका आधा गांव पहुंचा हुआ होता है, बहुत सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ जो बंदा जाता है वो वहाँ जाते ही कुंडी लगा देता है, वो कहता है बेकार है सब। हमारे कितने रिश्तेदार होंगे आप लोगों के अमरीका, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, 30-30 साल से होंगे, लेकिन जब फ़ोन करो वो बेकार है, बिल्कुल बेकार है, इकोनॉमी गिर रही है, बस ख़त्म हो रहा है, तबाह हो रहा है, बस हम आ रहे हैं। हर साल नया 7-Eleven खोलेंगे, हर साल नया पेट्रोल पंप खोलेंगे, खुद नहीं आएंगे मगर कहेंगे बेकार है, किसी को आने नहीं देंगे। उसकी बहुत सारी वजूहत है, जो मुझे लगती है वो एक ये है कि चूंकि हम हिपोक्रेट्स होते हैं तो यहाँ तो हम सारे हाजी सनाउल्ला होते हैं क्योंकि हमें मौके नहीं मिल रहे होते। बाहर जाते ही जो है हमारे फ्लैटों में गोरियाँ भी आ जाती हैं, लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है, शराबें भी खुल जाती हैं, क्लबिंग भी। मैं किसी को जज नहीं कर रहा, ये पर्सनल आपका मैटर होता है, आप जो करें वो करें। तो चूंकि उनको वो चीज़ें छुपानी होती है कि जी हमारा कज़न आएगा वो तो बोलेगा अच्छा जी इसने तो यहाँ तो गोरी और फंसाई हुई है फलाना फलाना, तो ये भी वजह होती। चलो बंदा ऐसा ना भी हो, 5 वक्ता नमाज भी हो, तो क्या उसको ये इनसिक्योरिटी होती है कि जो रिश्तेदार आएगा वो मेरी नज़र लगाएगा कि यार अच्छा ये तो बड़ा नोट कमा रहा है, पीछे गांव में पिंड में बताएगा जी इसने तो फलानी लेक्सस रखी हुई है तो बड़ा नोट कमा रहा है, ये वो है। फिर आए दिन उसकी अम्मी बीमार हो जाएंगी, फलानी की शादी, इसकी शादी, $200 दे दे, $500 दे दे, जो कि कभी वो वापस नहीं करेंगे। बहुत लोग आप मिसालें बताएंगे कि जो उधार वापस नहीं करते, या तो ये इनसिक्योरिटी होती है या फिर ये होती है कि जो आएगा वो हमसे आगे ना निकल जाए तो पिंड पीछे बुराई करेगा कि यार तू 20 साल से बाहर है, ये अभी अजमल 2 साल पहले गया, इसने तो प्रॉपर्टियां बना ली, इसने तो बंगले बना लिए, कसूर में तो 4 घर बना लिए, इसने तू क्या कर रहा है। तो ये इनसिक्योरिटी भी, जेलेसी भी, हम सपोर्ट ही नहीं करते एक दूसरे को। खैर ये तो सब्जेक्टिव बात है, लेकिन वही मैं कोर्स मटीरियल की बात कर रहा था। अब ये किताब मैं लेकर आया हूँ, ये 9th क्लास में पढ़ाई जाती है बोर्ड, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में, जो कि 1999 में मैंने पढ़ी थी और वर्ड टू वर्ड आज भी वही है। 20 साल में ये किताब का एक लफ्ज इधर से इधर नहीं हुआ, 20 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई टेक्नोलॉजी में। ये आज तक पढ़ा रहे हैं, इसका पेज नंबर 138 पे पढ़ा रहे हैं विंडोज 98 कैसे स्टार्ट होगी 9th क्लास के बच्चों को। अबे भाई 1.5 साल का बच्चा ये स्मार्टफोन खोल लेता है और उसको पता है यूट्यूब पे कहाँ जाके क्या क्लिक करूंगा तो बेबी शार्क लगेगा, ठीक है। उसको तुम 9th क्लास में, जो कि बालिग होता है बच्चा, ठीक है, उसको पढ़ा रहे हो कि फोल्डर कैसे बनेगा, उसको पढ़ा रहे हो माई डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, डॉस प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे हो। डॉस में तो भाई स्टार ट्रैक बनता था डॉस पे, ये पढ़ा रहे हैं आजकल यार।
फ्लॉपी डिस्क, चलो हिस्टोरिकली पढ़ा लो कि भाई पहले फ्लॉपी डिस्क होती थी, फिर हार्ड डिस्क, अब क्लाउड कंप्यूटिंग। अब फ्लॉपी डिस्क की डायमेंशंस पढ़ा रहे हैं कि कितने इंच वाली में कितने केबी आएगा, कितने इंच वाली में क्या आएगा। अभी कोई बात है पढ़ाने की? माउस की ट्रैक बॉल पढ़ा रहे कि जी ट्रैक बॉल, वो ट्रैक बॉल वाले माउस आना बंद हो गए। अबे भाई चूहे भी जो है एवोल्यूशन में कहां से कहां निकल गए 20 साल में, हम आज तक हमारा वही माउस और वही कीबोर्ड पढ़ा रहे हैं। तो ये किताबें पढ़ा के आप क्या दिमाग निकालोगे भाई, क्या कम्पीट करोगे? आपका बच्चा ये किताब पढ़ता है ना जब, तो वो दुनिया के बच्चों से 20 साल पीछे होता है। ये वैसी मिसाल हो गई कि जी बंदूक चली है, रेस में बच्चे भागे और आपका बच्चा 20 साल बाद भाग रहा है, वो कहाँ कम्पीट करेगा उस बच्चे को? ये पढ़ के फिर वो AI बनाएगा, वो रोबोटिक्स पे जाएगा? अरे भाई बच्चों का टाइम ज़ाया कर रहे हैं किताबें। ये तो एक मिसाल है, ऐसी भरपूर मिसाल है। सुना है पंजाब में कुछ बेहतर किताबें, लेकिन सिंध का तो बुरा हाल है। ठीक है, अरे ये किताब मैंने BCS का एक सेमेस्टर लिया था, फिर मुझसे हो नहीं पाया। 2003 की बात है, सारे ऑथर्स कंप्यूटर साइंस की बुक्स के इंडियन ऑथर्स थे। ठीक है, मेडिसिन में भी मैंने ये सुना इंडियन ऑथर्स की किताबें पढ़ाई जाती हैं। हमारे ऑथर्स कहाँ हैं भाई, कोई किताब ही नहीं लिख रहा। वैसे तो बल्ले बल्ले इंडिया को गालियां सारा दिन देते रहो, रेपिस्तान बोलते रहो, लेकिन ये चीज़ें देखो आपके सामने ही है, इसमें कम्पीट नहीं करना क्या हमने? अजीब भाई ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं। अब ये चीज़ पढ़ा के क्या बच्चा निकलेगा, क्या दिमाग निकलेगा? वो बच्चा जो जेब में स्मार्टफोन लेके जा रहा है फोर्थ जनरेशन, उसको आप पढ़ा रहे हो फोल्डर कैसे बनाना है, उसकी जेब में ये स्मार्टफोन है जो उससे 1000 गुना ज्यादा एडवांस है टेक्नोलॉजी में। क्या मजाक लगाया भाई, ये तो वही बात हो गई कि बंदा बच्चा टेस्ला गाड़ी जो ड्राइवरलेस गाड़ी होती है उसमें बैठ के स्कूल जा रहा है, उसको आप पढ़ा रहे हो साइकिल ऐसे होती है। यार क्या खुदा को मानो यार, किधर बैठे हो भाई? ये मजाक है आपकी औलादों के साथ, और ये जो है ना ये सबसे बड़ा गुना है। देखे जितने CPAC कर लो, जितना IMF कर लो, डॉलर 5 रुपए पे ले आओ, जब तक तालीम नहीं होगी कोई कुछ नहीं होगा। ठीक है, और तालीम का रिजल्ट 30 साल बाद निकलता है। आज बच्चों को सही पढ़ाओगे चीज़ें तो वो फिर जाके अप्लाइड साइंसेज में आएंगे, प्रोफेशनल जिंदगी में आएंगे, तब जाके उसके सम्राट दिखेंगे। लेकिन 30 साल तक कोई पॉलिटिशियन जिंदा नहीं होगा, स्टेटिस्टिकली बात कर रहा हूँ, अल्लाह सबको लंबी उम्र दे। इसीलिए ये क्या कहते हैं, पुल बना लो, ये बना लो, वो बना लो, ये अगला इलेक्शन खरीदते हैं, ये कौम नहीं बनाते, अपना अपना अगला इलेक्शन बनाते हैं। तो ये कभी मुखलिस नहीं होंगे आपके साथ, ये आपको ये डॉस पढ़ाते रहेंगे आपके बच्चों को, आपके बच्चों का टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो ये निकलेंगे बच्चे डॉस पढ़ के गूगल लीड करेंगे, क्या यार मजाक लगाया है। आज ही मैं देख रहा था, हमने एक और मिसाइल बनाया जो लखनऊ तक जा सकता है। एक तो हम लड़ने मरने वाली बात करते हैं, हम कभी जो है ना कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं ही नहीं। देखें स्टेट जो होती है ना वो एक कॉरपोरेट होती है, ठीक है, उसका एक मिशन होता है। अगर हम पूछें कि भाई हमारा कौमी एंड गोल क्या है, तो गोल क्या है, इंडिया तबाह करना है, इसराइल तबाह करना है। ठीक है, यही आप आम आदमी से पूछो कि भाई तेरा जिंदगी में गोल क्या है, वो बोलता है बैरियर टाउन में घर हो, 4 दुकानें हो, बदर कमर्शियल में किराया आता रहे। तो जब आपके कौमी और इनफरादी गोल ही ऐसे हों कि आपने काम ही नहीं करना और बस बैठ के खाना है या लड़ना मरना है, तो फिर खाक तरक्की होगी भाई। मार्टिन कोबलर जर्मन एम्बेसडर थे पाकिस्तान के, अभी वो वापस गए, उन्होंने जाते जाते एक बात कही कि पाकिस्तान के लिए कि आप ऐसा असला बनाते हो जो कि आप दुनिया को एक्सपोर्ट करते हो, लेकिन आप एक एक्सपोर्ट क्वालिटी की साइकिल नहीं बना सकते, जो कि बड़ी दिल को लगी मेरी बात, और बात बिल्कुल हकीकत है। और यही वजह है जो डॉलर आज आसमान को छू रहा है, उसकी वजह ये, हम एक एक चीज़ तो दुनिया से इम्पोर्ट करते हैं, टूथपिक तक हमारे मुल्क में बाहर से आती है, माचिस बाहर से आती है, सुई जिससे हम टांके लगाते हैं वो तक चाइना से आती है, जाए नमाजें तस्बीह हमारी चाइना से आती हैं। हम तो कुछ बनाते ही नहीं, हम सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं और कुछ नहीं बनाते, हम एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं और बेवकूफ़ बन रहे हैं। और बस क्या कर सकते हैं भाई, हम इम्पोर्ट किए जा रहे हैं चीज़ें, टोमेटो प्यूरी तक बाहर से आती है हमारे मुल्क में, हम बनाते ही नहीं है कुछ, जो बनाना चाहे भी उस पर नैब और फलाना टैक्स, तो फलाना टैक्स वो कहता है खली वली बांग्लादेश में मैं फैक्ट्री लगा लेता हूँ वहाँ से कमा लूँ। बांग्लादेश भाई 2030 में इंडिया से भी आगे निकल जाएगा, ये दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं। ऐसा क्या कर रहे हैं वो हमसे अलग होके कि 50 साल में इतना आगे निकल गए, सोचने वाली बात है।